नाउ स्टूडेंट्स हमने लोकल होस्ट के ऊपर भी जो प्रेस्टर शॉप है वो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और कॉन्फिगर करके देख लिया और फिर हमने लॉग इन करके भी देखा है एज अ एडमिन एंड एज अ फ्रंट एंड और हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया है क्लाउड के लिए भी यानी इंटरनेट के ऊपर भी हमने इंस्टॉलेशन करके देखी है यहाँ पे जो एक चीज़ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है कि चाहे आप लोकल होस्ट पे इंस्टॉलेशन करें या क्लाउड पे करें एक्चुअली इंस्टॉलेशन एक जैसी ही होती है फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब आप आप क्लाउड पे करते हैं तो जो आपकी वेबसाइट है वो सारी दुनिया के लिए एक्सेसिबल हो जाती है लोकल होस्ट पे जब करते हैं तो वो सिर्फ आपके आपके कंप्यूटर पे आके कोई बंदा एक्सेस कर सकता है लेकिन जो लॉग इन होने के बाद चीज़ें नज़र आती हैं एडमिन को या एंड यूजर को वो सेम होती हैं यानी आपने जो एज अ एडमिन मैनिपुलेशन करनी है वो आप क्लाउड uh, के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज जो आप अपने पी पे कर सकते हैं एज अ लोकल होस्ट तो हम फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लोकल होस्ट पर कर रहा हूं तो आप बिल्कुल ये चीजें एडमिन पैनल के ऊपर भी कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग क्लाउड प्रोसेस बिल्कुल सेम है कोई फर्क नहीं है सो अस ट्राई टू लॉग इन एज एडमिन और फिर देखते हैं एज अ एडमिन हमारी एक्सेस में क्या क्या चीज़ें हैं सो नाउ स्टूडेंट्स जस्ट टू एक्सेस प्रेस्टर शॉप ऑन लोकल होस्ट फर्स्ट लोकल होस्ट पे जब हमें एक्सेस करना है फ्रंट एंड को तो मैं सिंपल लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश प्रेस्टर शॉप तो ये मेरा फ्रंट एंड लॉग हो जाएगा और क्योंकि मैंने क्लोदिंग ब्रांड डॉट नेट एक यू आर एल परचेस किया हुआ है डोमेन परचेज की हुई है तो क्लोदिंग ब्रांड डॉट नेट लिखेंगे तो वो भी आपके सामने ये शॉप है ये भी आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगी अब मुझे क्योंकि बैक एंड पे जाना है तो मैं अब प्रेस्टर शॉप स्लैश एडमिन लिखूंगा तो एक यू पूरा बन जाएगा ये यू जो ऊपर बनता है इसके बारे में आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना ये अगर आपकी प्रेस्टर शॉप की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है तो दिस विल कम ऑटोमेटिकली द मोमेंट यू आर एबल टू सक्सेसफुली रिमूव द इंस्टॉल फोल्डर ये ऑटोमेटिकली यू क्रिएट हो जाता है तो यूजर नेम पासवर्ड एंटर करें मैं एंटर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो अब मेरे पास आप देखें यहाँ पे ये वाला सारा पैनल बैक एंड का मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया नेट पे जाके सिंपल ये यू आर एल लिखें ये कहीं आप स्टोर भी कर लीजिएगा और सक्सेसफुली अब आप लॉग इन करें तो अब आपको तो सिर्फ जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि चाहे आप लोकल होस्ट पे कॉन्फिगर करें या वेबसाइट पे करें चीज़ें तकरीबन सेम ही है ये ग्राफ को एडिशनल नजर आ रहा है लेकिन और ये आपके पास ऑब्वियसली ये गूगल एड्स आ रहे हैं सॉर्ट ऑफ प्रेसर शॉप की न्यूज आ रही है वो ऑब्वियसली लोकल होस्ट पे नहीं आएगी लेकिन मोर और लेस जो आपके ये देखें जो ये आपका ऑर्डर्स हैं ये आपके जो साइड वाले जो हमारे काम के ये मेन्यूज़ हैं ये ऑनलाइन यानी क्लाउड के ऊपर भी सेम है और लोकल होस्ट के ऊपर भी सेम है तो आई एम करेंटली इंटरेस्टेड इन दिस फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड उसके बाद अगर मैं अपने ऑर्डर व्यू करना चाह रहा हूँ कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप इस वक्त अब लॉग इन हैं एज अ ओनर ऑफ द स्टोर जो आपकी एक शॉप चल रही है अब आप उसके एडमिन हैं उसके ओनर हैं तो आप सारे ऑर्डर भी देख सकते हैं आप जो आपके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं और अभी हम अभी थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स ऐड करके भी देखेंगे जो आपके कस्टमर्स हैं तमाम कस्टमर्स आप उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो भी आप देख सकते हैं ऑर्डर के अगर कोई मैसेजेस आए हुए हैं वो भी देख सकते हैं स्टैट्स अगर आप व्यू करना चाहते हैं वो भी आप व्यू कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के विजट्स कितने हैं रजिस्ट्रेशन कितनी है ऑर्डर कितने प्लेस हैं रेवन्यू कितना है एंड सो ऑन ये अगर मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट व्यू आएगा अब ये देखें अब ये एक मैंने क्योंकि ऑनलाइन इंस्टॉलेशन करते वक्त जो करेंसी थी वो अपाउंड रखी थी तो ये यह चीज़ अपाउंड में दिखा रहा है जिसमें जो मज़े की चीज़ है वो ये आपके स्टैट्स हैं ऑनलाइन ये जो आपके पास अभी ये ग्राफ्स आ रहे हैं ना ये आपके पास बड़ी मज़े की चीज़ें हैं अब आप देखें यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जी स्क्रिल आप यूज़ कर सकते हैं इजी मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये अब जब मैंने ये वेबसाइट रजिस्टर करवाई थी तो वहाँ से ये अब सारे का सारा डाटा आ रहा है ये सॉट ऑफ एड्स आ रहे हैं उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड ये जो मॉड्यूल्स हैं ये एक्चुअली आपको ये बताता है कि जब आपने अपनी शॉप सेटअप की है तो आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल्स अनेबल हैं फॉर एग्जांपल मैं मॉड्यूल एंड सर्विसेज में जाता हूँ आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवर व्यू कि एज एडमिन आप के पावर में क्या क्या चीज़ है मॉड्यूल एंड सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया तो इट विल शो मी द लिस्ट ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स जो मेरे पास अभी एक्सेस में है मैं यहाँ पे ऑनलाइन भी करके क्लिक करता हूँ ताकि आपको साथ साथ मैं दोनों का कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में क्या फ़र्क होता है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो अब ये देखें अब ये सारे के सारे मॉड्यूल्स उसने मुझे ये लिस्ट डाउन कर दिए हैं आपको याद होगा हमने कुछ हमने पहले हमने कुछ प्लगइन्स की बात की थी तो ये बेसिकली मॉड्यूल्स को आप आप प्लगइन भी कह सकते हैं अगर मैं इंस्टॉल मॉड्यूल पर जाऊँगा तो ये मुझे दिखा देगा कि मेरे अभी जब मैंने इंस्टॉलेशन की है तो आई हैव दिस यानी बैंक ट्रांसफ़र को मैं कॉन्फिगर कर सकता हूँ ये एक मॉड्यूल है क्योंकि ये मॉड्यूल अनेबल करता है मेरी शॉप को कि वो क्लाइंट से बैंक के ज़रिए पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता है जब आपने कोई चीज़ परचेज की है उसके बाद वेलकम का प्लग है शॉप सर्च का प्लग है इसमें एक एडमिन का प्लग है वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे कि वो हमारे किस काम आता है तो ये हमारे इंस्टॉल पर है ये जो मेन मेन्यू वाला है वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट ये क्या चीज़ है बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे मेन ये अब हम लोग ऑनलाइन पे आ गए हैं यानी क्लोदिंग ब्रांड डॉट नेट पर आ गए हैं वे आप अब देखें बिल्कुल वही ये देखें बिल्कुल वही लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स है ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा आपको नजर आ रहे होंगे मॉड्यूल्स वर्सेस ऑफलाइन ये लोकल पे आपको कुछ और नज़र आ रहे होंगे उसके बाद डिजाइन बड़ी मज़े की चीज़ है डिज़ाइन आप आप थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं थीम के कैटलॉग यानी आप नई थीम भी ऐड कर सकते हैं पेज लेवल पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं शिपिंग के अंदर जो चीज़ आप कॉन्फिगर कर सकते हैं वो ये है कि आप फ्री शिपिंग करना चाह रहे हैं शिपिंग के पैसे रखना चाह रहे हैं सारी कॉन्फिगेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं पेमेंट्स के जो मेथड्स हैं वो आप यहाँ कॉन्फिगर कर सकते हैं यानी आप पेमेंट गेटवेज ऐड कर सकते हैं आप बैंक वायर के थ्रू अगर करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं इंटरनेशनल में आप टैक्सेस ऐड कर सकते हैं लोकलाइजेशन यानी अभी फॉर एग्जांपल इंग्लिश में है कल को फॉर एग्जांपल आप फ्रांस में लॉन्च करते हैं तो यू कैन यू नो इसको आप फ्रेंच लैंग्वेज में भी यानी ये वेबसाइट कन्वर्ट कर सकते हैं लोकलाइजेशन से मुरादी होती है तो ये एज अ एडमिन जब आप लोकल होस्ट पर जाएँ या आप ऑनलाइन जाए यानी क्लाउड पर जाएँ तो ये पैनल मोर लेस आपके पास सेम ही होता है देर इज नो फर्दर चेंज ये बेसिकली आपको मैंने दोनों का कंपेरिजन में साथ साथ इसलिए दिखाता जा रहा हूं कि दोनों यानी ऑनलाइन या लोकल होस्ट में फर्क नहीं होता एप्लीकेशन के फ्लो में जैसे ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो दीज आर दिंग्स विच यू हैव अंडर योर कंट्रोल जब आप एज अ एडमिन किसी भी शॉप में लॉग इन कर जाते हैं